हम चंडीगढ़ का जनता को ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद हमने ये देखा कि कुछ कुछ लोग बाहर आके घूम रहे हैं और उसको सीरियसली पालन नहीं कर रहे, इसलिए पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये जो कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसको अनलेस हम कंप्लीट सैनिटाइज करें, सब लोग को लॉकआउट करें, ये स्प्रेड होता रहेगा और हम इसको फाइट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमें पता है कि आज कर्फ्यू के कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, वेजिटेबल्स नहीं मिल पाया, मिल्क्स नहीं मिल पाया होगा, मेडिसिन शॉप्स भी बंद रहे हैं। इसको दूर करने के लिए हम तुरंत प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्लानिंग चल रहा है कि हम रिलैक्सेशन दें, मगर रिलैक्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़भाड़, कंजेशन, क्राउडिंग ना हो जाए, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। ये विचार कर रहे हैं कि हम सेक्टर वाइज रिलैक्सेशन कुछ घंटे के लिए देंगे, जहाँ की सेक्टर मार्केट में खुला रखेंगे लोगों को सामान लाने के लिए, एसेंशियल आइटम्स, और जहाँ ज़रूरत होगा या सुविधा होगी तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से मोबाइल वैन्स लेके हम वहाँ राशन आइटम्स और वेजिटेबल आइटम्स भी प्रोवाइड करने की प्रबंध करेंगे। हम चाहेंगे कि ये कर्फ्यू हमारा सक्सेसफुल हो, लोगों को मिनिमम परेशानी हो और डे टू डे सामान जो चाहिए उनको मिल सके, ये प्रयास जारी है। ऐसे ही जिन गरीब लोगों का पास नहीं है खाने को, उनके लिए हमारा रेडक्रॉस वैन विलेजेस रे लेबर कैंप्स में जाके कुक्ड फूड दे रहा है 10 रुपया में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तो फ्री में, बैग की जगह में भी जहाँ पर ज़रूरत हो गया पैसा लिया जा रहा है 10 रुपया, जहाँ नहीं है वहाँ फ्री में दिया जा रहा है। मैं फिर से वादा करना चाहता हूँ लोगों को कि हम आपका परेशानियाँ समझते हैं, जहाँ जहाँ हो सके जितना दे सकेंगे हम उसका रिलैक्सेशन कर्फ्यू में हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमें यह भी पता है कि बहुत लोगों को कर्फ्यू पासेस मिल नहीं पा रहे, बहुत जगह में बुज़ुर्ग लोग हैं घर में जिनके पास कोई अटेंडेंट नहीं और उनका मेड, कुक, ड्राइवर ये सब बाहर रुक गए हैं, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। हम उनके भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके थ्रू से हम निवेदन करेंगे RWA, NGOs और अपना गुरुद्वारा कमेटी, RSS या बाकी जो भी संस्था है जो कि मदद करना चाहते हैं, ये अपने हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्रार है उनसे संपर्क करें, और हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर कमल है वो भी इसको रेगुलेट कर रहे हैं। हम लगे हुए किसी तरह से इनका भी सर्विसेज लिया जाए, आप हमें किस तरह से लोगों को मदद कर सकते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशंस कहिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल्स प्री पैक करके दे चाहते हैं या कुक्ड फूड देना चाहते हैं, हम ये प्रबंध कर रहे हैं। हम धैर्य रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं, कल से हम और उसको स्मूथ कर देंगे ताकि हम एक तरफ कोरोना को फाइट भी कर सकें और आप लोगों को जो दिक्कत सामना करना पड़ रहा है उसमें कमी हो सके।